गुड इवनिंग बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग? मन लगाकर पढ़िए, तभी जाकर आगे हम लोग कुछ कर सकते हैं। बिना पढ़ाई कुछ नहीं हो सकता है। कल जो ऑलरेडी मैं आपको बहुत कुछ बता चुका था, साउंड में बहुत कुछ ऐसा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक था, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ छोटे मोटे टॉपिक बचे हैं, आज उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा कंफ्यूज भी आपको हो सकता है कि कर दे, पर उस कंफ्यूजन को हम आज के सेशन में दूर जरूर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को भी बोलिए जल्दी से जल्दी वो हमारे साथ जुड़ जाए, लाइव क्लास का वो एक मेंबर बने। आपके जितने भी डाउट्स होंगे उन सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। डाउट्स में कभी कोई कमी नहीं हो बच्चे लोग, जितना पढ़ोगे उतना डाउट्स आएगा, और मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके सारे डाउट्स को मैं जरूर दूर करूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, जल्दी से आप लोग लाइव आ जाओ। हाँ जी, तो कल के टॉपिक में हम लोग क्या-क्या पढ़ चुके थे? तो कल के टॉपिक में हम लोग ऑसिलेशन पढ़ चुके थे, फ्रीक्वेंसी पढ़ चुके थे, ऑडिबल रेंज पढ़ चुके थे। ऑडिबल रेंज कौन-कौन सा होता है ये चीज हम लोग समझ चुके थे। कीर्ति बर्मन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हम लोग ये सारा कुछ कल के टॉपिक में समझ चुके थे। रेंज ऑफ हियरिंग क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका था कि साउंड कैसे रिफ्लेक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात कि आपके स्कूल के ऑडिटोरियम जो है, उस ऑडिटोरियम में आपका जो ऑडिटोरियम का रूफ होता है या फिर वॉल होता है, दैट इज इन कर्व सरफेस वाई, तो इसके पीछे का जो जो कारण है वो सारा कुछ ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए कि क्या किस तरह का डाउट है, मैं उस डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक सा चीज, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक एंड सुपर बूम। बच्चे लोग, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है पर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको इन सब के बीच में डिफरेंस बता देता हूं कि इन सब के बीच का डिफरेंस क्या है। इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, जय किशोर, गुड इवनिंग। इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक और सुपर बूम में क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप समझिएगा। एक नंबर में ये क्वेश्चन आपका आएगा और इसको छोड़कर नहीं आना है ना? तो सबसे पहला चीज मैं आपको समझा रहा हूं, दैट इज इंफ्रासोनिक। इंफ्रा सोनिक, ठीक है ना? तो इंफ्रा आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इंफ्रा मतलब बहुत कम। तो जब फ्रीक्वेंसी, आपको ऑलरेडी पहले मैं बता चुका हूं कि हमारे लिए ये हमारे लिए है, ठीक है ना? आप ये सारे एनिमल के लिए मत रखिएगा। ऑडिबल रेंज है ना, ऑडिबल रेंज हमारे लिए की बात मैं करूं तो हमारे लिए ऑडिबल रेंज है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। क्लियर ना? हमारे लिए ऑडिबल रेंज कहां से कहां तक है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। और 1 किलो हर्ट्ज 1000 हर्ट्ज होता है बच्चे लोग, इसका मतलब है कि मैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ही बात कर रहा हूं, है ना? तो हमारा ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक है। और हर्ट्ज ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं कि दैट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज क्या है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। और जब कभी कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 20 टाइम्स ऑसिलेट करता है तो उसको हम लोग 20 हर्ट्ज कहते हैं ना। तो जब मान लीजिए कुछ केसेस में जो ऑसिलेशन हो वो अगर लेस देन 20 हर्ट्स हो जाए, उस केस को हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक। क्लियर ना? तो इंफ्रासोनिक आप इजीली समझिएगा कि जब फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स से नीचे हो उस साउंड को हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। जब फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स से नीचे का हो तो उस केस को हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। पहला चीज क्लियर ना?
तो अगर आपसे कोई कहे इंफ्रासोनिक साउंड का कौन यूज करता है, तो हमारे आसपास में बैट होता है ना, चमगादड़ होता है, ऑल होता है, और भी कुछ एनिमल्स होता है जो आपका इंफ्रासोनिक साउंड का यूज करता है, या तो प्रोड्यूस करता है या फिर उसको सुन सकता है, ठीक है ना। तो इंफ्रासोनिक क्यों यूज करता है, तो देखो एक चीज, एक सिंपल सा चीज बताता हूँ। अगर डे टाइम की बात करते हो, है ना, तो डे टाइम में बहुत ज़्यादा नॉइज होता है, बहुत ज़्यादा नॉइज होता है, और इस नॉइज में डिफरेंट डिफरेंट हर्ट्स का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। क्लियर ना। अगर इस नॉइज की बात करोगे तो इस नॉइज में डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, एनर्जी होता है। और अगर बैट अगर है और अगर वो साउंड प्रोड्यूस करता है, तो उस एनर्जी को क्या कर पाता है, इंटरवीन नहीं कर पाता है, देयर इज कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा शोर होता है। तो रात के समय में जो बैट चमगादड़ जो होता है, वो इंफ्रासोनिक साउंड का यूज करता है, दैट इज लेस देन 20 हर्ट्स। और ये लेस देन 20 हर्ट्स ही जो है वो उसको बाकी दूसरे साउंड से मिक्स होने नहीं देता। वैसे भी रात में तो बहुत शांति रहती है, तो रात में हल्का से हल्का सा भी हलचल हम भी जस्टिफाई कर सकते हैं, हम लोग भी पकड़ सकते हैं। तो बैट जो है इंफ्रासोनिक साउंड का यूज करता है, हल्का से हल्का डिफरेंसेस को क्या करता है, सुनता है। तो इसके बारे में डिटेल में आगे आपका दिया हुआ है जिसमें मैं बताऊंगा, अभी आप इतना ही समझिए कि इंफ्रासोनिक साउंड क्या है, दैट इज लेस देन 20 हर्ट्स। अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज इंफ्रासोनिक साउंड, तो आपको कहना क्या है, वाइब्रेशन दैट इज लेस देन 20 टाइम्स इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। पहला क्लियर हो चुका है। अब दूसरा की बात करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड, तो अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, तो यहां पर हम लोगों के ऑडिबल रेंज से ऊपर का साउंड होता है, और हम लोग का 20 हर्ट्ज से जो नीचे का हुआ वो नीचे का हो गया इंफ्रा, 20 हर्ट्ज से नीचे का क्या हो गया, इंफ्रासोनिक। और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर का जो हुआ, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। क्लियर ना। 20 हर्ट्ज से नीचे अगर आप इस तरह से कहीं पर लिखते हो, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, इसके ऊपर का जो साउंड हुआ, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड, है ना। 20 हर्ट्ज से जो आगे का साउंड हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्ट्रासाउंड। और 20 हर्ट्ज से जो नीचे का हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंफ्रासाउंड। क्लियर ना। 20 हर्ट्ज से ऊपर का, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर का अल्ट्रासाउंड, और 20 हर्ट्ज से नीचे का इंफ्रासाउंड। तो यहां पर हम लोग को पता चल गया कि अल्ट्रासाउंड का जो रेंज होगा, दैट इज मोर देन 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज। तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होता है। आप समझ सकते हो कि 20 किलो हर्ट्ज का मतलब हो गया कि एक सेकेंड में, इन वन सेकेंड, मान लो यहां से यहां तक आने में एक सेकेंड का समय लगता है, तो एक सेकेंड में 20,000 टाइम्स ऑसिलेशन जब होगा, तो दैट इज कॉल्ड 20 किलो हर्ट्स। ये ध्यान रखना आपको, जब एक सेकेंड में 20,000 टाइम्स ऑसिलेशन होगा या वाइब्रेशन होगा, तो उसको हम लोग 20 किलो हर्ट्स कहेंगे। और ये बहुत एनर्जी लेता है, इसलिए हम लोगों का एक ऑडिबल रेंज है 20 से 20,000 हर्ट्स तक। तो फिर इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, अल्ट्रासाउंड का हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं? तो क्लियर सी बात है कि अल्ट्रासाउंड आप देखते होंगे जब भी चाइल्ड बर्थ सेंटर में जाते हो, तो वहां पर आप देखते होंगे जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, है ना ऐसा। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनका क्या किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है। पेट में अगर किसी तरह का बच्चा जब होता है, तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू, क्या करता है, इस बच्चे के पोजीशन को क्या किया जाता है, देखा जाता है कि ये जो बच्चा है पेट में, उस बच्चे का क्या पोजीशन है। तो अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि जब आप यहां पर बैठोगे भी ना, तो आपको एक जरा सा भी साउंड नजर
समझ नहीं आएगा, पर इसके बावजूद भी कंप्यूटर के अंदर इस बच्चे का इमेज फॉर्म होना शुरू हो जाता है ना। क्यों होता है ऐसा? तो दैट इज बिकॉज ऑफ सम इनर्जी। ये मशीन के द्वारा ये इनर्जी निकल रहा है और ये इनर्जी क्या करता है, अंदर पेनेट्रेट करता है, अंदर क्या करता है, पेनेट्रेट करता है और इस बच्चे के इमेज को कंप्यूटर पर दिखाता है। ये क्लियर है ना, समझ गए होंगे आप। तो पहला यूज तो हम समझ गए, अल्ट्रासाउंड का यूज कहाँ किया जाता है, इनर्जी हाई होता है, इस इनर्जी को हम सुन नहीं सकते हैं और सुन नहीं सकते हैं, इस इनर्जी को क्या किया जाता है, तो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो बच्चा पल रहा होता है उस बच्चे का इमेज जो है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर आपका देखा जाता है और वहां पर यूज किया जाता है अल्ट्रासाउंड का। क्लियर। अगला केस बताता हूं। कई बार ऐसा होता है कि किसी को किडनी हो गया है ना, तो किडनी हो गया है तो उस किडनी पेट में कितना बड़ा पत्थर है आप उसके बारे में कैसे जान सकते हो, नहीं ना जान सकते हो बिना ऑपरेशन किए। तो डॉक्टर जो है आपको अल्ट्रासाउंड का क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं जिससे आपके पेट में या आपके किडनी में कितना बड़ा पत्थर है वो पत्थर इजिली कंप्यूटर में दिखाई पड़ता है कि इतना बड़ा पत्थर किडनी में या कहीं और पड़ा हुआ है। क्लियर ना। तो ये दो चीज तो आप समझ गए होंगे, एक तो प्रेग्नेंट लेडी में यूज करते हैं हम लोग और दूसरा हम लोग जब किसी तरह का पथरी का बीमारी अगर किसी को होता है तो अंदर में हम लोग उसका ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा साइज है। अगला अगर हम लोग बात करें तो कई बार आप देखते होंगे, एक और चीज बता देता हूं कि यहां से यहां तक मान लो ये तेल पाइपलाइन है ना, सपोज मान लो ये इंडियन ऑयल है ना, कहीं से ये तेल यहां तक पहुंच रहा है, कहीं से ये तेल यहां तक पहुंच रहा है, तो यहां तक पहुंच रहा है तो वैसा तो ये तो आपका बहुत लंबा होता है ना। अभी हम लोग सुन रहे थे कि ईरान से तेल पाइपलाइन हिंदुस्तान तक आता है, ईरान समझिए कितना दूर है और इंडिया कहां पर है, इस बीच में बहुत जगह पहाड़ मिलता है, जंगल मिलता है, नदी मिलता है और ये सारे जगह से ये पाइप जो है होता हुआ कहां पहुंचता है, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। तो सपोज मान लो कि किसी डेस्टिनेशन पर, सपोज यहां पर कोई आदमी जो है तेल का चोरी करना शुरू कर देता है ना, यहां पर तेल का चोरी करना शुरू कर देता है, डेस्टिनेशन तो यहां है, यहां पे मान लो 1000 लीटर अगर तेल रिलीज किया गया और यहां पर 900 लीटर ही तेल पहुंच रहा है, इसका मतलब 100 लीटर तेल की क्या हो रही है, चोरी हो रही है। क्लियर ना। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये 100 लीटर तेल चोरी किया जा रहा है या कहीं पर लीक हो रहा है, इतना बड़ा डिस्टेंस तो आदमी कवर नहीं कर सकता है, इतना बड़ा डिस्टेंस को आदमी चेक भी नहीं कर सकता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। यहां से हम एक फ्रीक्वेंसी रिलीज करते हैं और ये फ्रीक्वेंसी जो है बीच बीच में मशीन के थ्रू मेजर किया जाता है। अगर 20 किलोहर्ट्ज अगर भेजा गया फ्रीक्वेंसी और यहां पर भी 20 किलोहर्ट्ज ही मिल रहा है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का कोई लीकेज नहीं है। क्लियर ना। और वही अगर मान लो कि यहां पर आकर ये 19 किलोहर्ट्ज हो गया, इट मींस देयर इज सम लीकेज। क्यों? क्योंकि यहां से एनर्जी क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा। आप समझ गए इस चीज को? समझ गए तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया है ना। तो ये मैं आपको अल्ट्रासाउंड का इतना सारा यूज बताया, कुछ और यूज आपके बुक में दिया हुआ है उस यूज के बारे में भी आपको मैं बता देता हूं कहां कहां हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं है ना। अगला कहता है यहां पर देखो, यहां पर लिखा हुआ है पहला कि मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द हर्ट एंड फ्रॉम इमेज द हर्ट, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एकोकार्डियोग्राफी। मतलब किसी के हर्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, हर्ट में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो हम लोग
अल्ट्रासाउंड के थ्रू उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसके अलावा कोई भी किसी तरह का पेशेंट है, उस पेशेंट के अंदर के किसी भी तरह का जो चेंजेस होता है, चाहे आपका किडनी में हो या फिर किसी तरह का ट्यूमर्स हो। ट्यूमर्स क्या होता है बच्चे लोग? ठीक है श्रेष्ठ, अच्छी बात है, डाउट हो बेटा तो जरूर पूछना। तो ये ट्यूमर्स क्या होता है, ट्यूमर्स क्या होता है? तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे बॉडी किसी तरह के इंटरनल ऑर्गेन में सेल का एक गांठ बन जाता है। सेल का क्या बन जाता है? एक गांठ बन जाता है, और यही गांठ जो है दैट इज कॉल्ड ट्यूमर। क्लियर ना? तो कुछ लोगों को आप सुनते होंगे ब्रेन ट्यूमर हो गया। ब्रेन ट्यूमर क्या है? तो ब्रेन के अंदर किसी तरह का गांठ बन जाना। और बच्चे लोग ये गांठ जो होता है ना, ये गांठ कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है। गांठ जो अगर बन गया ब्रेन के अंदर या बॉडी के अंदर, तो ये कंटिन्यूअसली क्या होता जाता है, गांठ बढ़ता जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं ट्यूमर, और ये वेरी डेंजरस होता है ना? क्यों? क्योंकि धीरे 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 देखो, हमारे बॉडी का एक बेसिक सा रूल है कि अगर मान लीजिए आपके बॉडी में कहीं भी, आपके बॉडी में कहीं भी है ना, इमेज पे नहीं जाना है आपको, ये मैं बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। अगर आपके बॉडी के अंदर कहीं भी एक भी गांठ बन गया, तो ये गांठ जो है ना धीरे 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 बड़ा होता जाएगा। ये क्लियर सी बात है हमारे बॉडी के अंदर। तो अगर आपके ब्रेन में कहीं भी एक गांठ बन गया, तो ये ब्रेन के साथ, इस गांठ के साथ धीरे धीरे सेल जुड़ता जाएगा, और जुड़ते 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 ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। तो इस चीज को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ऑपरेशन के थ्रू ठीक करते हैं, या फिर कुछ और मेथड भी हैं जिसके थ्रू हम लोग ठीक करते हैं। तो इसको चेक कैसे कर सकते हैं? तो इसको चेक करने का तरीका है दैट इज अल्ट्रासाउंड। ये आपका ट्यूमर होता है जिसको अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं। क्लियर ना? और यहां पर एक और चीज बताया हुआ है कि अल्ट्रासाउंड में भी इम्प्लॉयड टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स। देखिए किडनी में क्या होता है ना कि कई बार स्टोन छोटा होता है और कई बार बड़ा हो जाता है। तो अगर किडनी का स्टोन अगर छोटा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इजिली उसको ठीक कर सकते हो बाय द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का एनर्जी उस पत्थर को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है ना। लेकिन अगर यही बड़ा हो जाता है तो उसको लेजर के थ्रू ठीक किया जाता है, नहीं तो फिर ऑपरेशन करके ठीक किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई और उपाय नहीं होता है। तो आप इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक दोनों साउंड आप समझ चुके हैं। अगली बारी है सोनार की, है ना? सोनार क्या होता है? तो देखो सोनार नाम जो है, ये एक्चुअल में इसका शॉर्ट नेम है, दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इज कॉल्ड सोनार। तो यहां देखो साउंड से आ गया एसओ, नेविगेशन से आ गया एनए, और रेंजिंग से आ गया आर, दैट इज साउंड नेविगेशन रेंजिंग। तो सोनार का काम क्या होता है? बहुत सिंपल काम होता है। तो मान लीजिए यहां पर आपका इमेज दिया हुआ है, ठीक है ना? तो मान लीजिए कि ये जो आपका शिप है, ये शिप का एक लिमिट होता है कि कितना गहराई में एटलीस्ट होना चाहिए। अगर पानी की गहराई कम आ गई, मान लो अभी का पानी का गहराई इतना है, अगर ये गहराई कम हो जाए, तो इस केस में आपका बाबू सुपरसोनिक और सुपर बूम समझा रहा हूं, पहले सोनार्स ओ आ, 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 चलो ठीक है, पहले सुपरसोनिक आपको समझा देते हैं, ठीक है ना, तब हम लोग सोनार पर चलेंगे। अब अगला बारी आता है सुपर सोनिक। किस चीज की बारी है? सुपर सोनिक की बारी है। तो देखो यहां पर सोनिक दैट इज रिलेटेड टू साउंड, है ना? जब किसी भी ऑब्जेक्ट का द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड इज कॉल्ड
सुपरसोनिक। क्लियर है ना? जब किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर साउंड के स्पीड से ज्यादा हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं सुपरसोनिक। क्लियर ना? तो आप कहोगे किसकी स्पीड इस साउंड के स्पीड से ज्यादा होती है, तो आपके पास बहुत ऐसा एग्जाम्पल मैं दूंगा जिस एग्जाम्पल में आपको पता चलेगा कि उस ऑब्जेक्ट का स्पीड आपका साउंड के स्पीड से ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला जो एग्जाम्पल जो आप भी जानते होंगे, लाइट। लाइट का स्पीड साउंड से बहुत ज्यादा होता है। पर हम अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं ना। एयरक्राफ्ट जो होता है, कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनकी स्पीड साउंड के स्पीड से ज्यादा होती है ना। एक एग्जाम्पल के लिए मैं अगर साउंड का स्पीड अगर देखूं तो साउंड का स्पीड कितना है, दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड। और इसको आप किलोमीटर में निकालोगे तो करीब करीब 1800 किलोमीटर पर आवर आता है, ठीक है ना। साउंड की स्पीड कितनी है, दैट इज अराउंड 1800 किलोमीटर पर आवर। वहीं हमारे पास ऐसे बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं जिनकी स्पीड 2200 किलोमीटर पर आवर है। आप समझ गया ना? इसलिए इस तरह के एयरक्राफ्ट को कहते हैं सुपरसोनिक, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। ये जरूरी नहीं है बच्चे लोग कि सारे एयरक्राफ्ट का स्पीड सुपरसोनिक ही हो। ये आपका क्या होता है, कुछ है बहुत एडवांस टाइप का जो आपका एयरक्राफ्ट होता है उनका स्पीड होता है सुपरसोनिक। क्लियर ना? हमारे पास जो राफेल आया है ना, आप जाने होंगे न्यूज के थ्रू, ये राफेल जो है दैट इज सुपरसोनिक। उसकी स्पीड है आपका 2200 किलोमीटर पर आवर, इसलिए उसको हम लोग सुपरसोनिक कहते हैं। इसके अलावा सुखोई MKI-30 का नाम सुने होंगे, सुखोई MKI-30। हमारे पास भी ये लड़ाकू विमान है सुखोई MKI-30, और इसकी भी स्पीड करीब 22 से लेकर 2300 किलोमीटर पर आवर है। इसलिए इन सारे एयरक्राफ्ट को हम लोग कहते हैं सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। और दूसरी बात, अगर हम मिसाइल की बात करते हैं तो जितने भी मिसाइल हैं आप मैक्सिमम की बात करते हैं, वो सबके सब आपका सुपरसोनिक मिसाइल होता है। आप देखते होंगे एक्सपेरिमेंट, ये जब भी आपका टेस्ट किया जाता है या न्यूज में आप सुनते होंगे तो यही कहा जाता है कि सुपरसोनिक मिसाइल का क्या किया गया, टेस्टिंग किया गया। तो ये जितने भी मिसाइल हैं इन सारे मिसाइल का जो स्पीड होता है दैट इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, है ना। तो एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि मान लीजिए कि इस तरह के एयरक्राफ्ट पे आपको बैठा दिया जाए, इस तरह के एयरक्राफ्ट पे अगर आपको बैठा दिया जाए, है ना, तो इस एयरक्राफ्ट पे अगर आप बैठते हो ना तो ये साउंड के स्पीड से ज्यादा है। इसका मतलब है कि इसमें आप साउंड का एक जरा भी स्पीड नहीं सुन सकते हो। क्यों? क्योंकि जो साउंड का स्पीड है बेटा, ये टॉपिक हमारा नहीं है कौन अच्छा है, ये हम अगले वीडियो में कभी बनाएंगे। और इस तरह के टॉपिक जानने के लिए आपको अलग दूसरे चैनल पे जाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ की बात करें तो ये आपका क्या हो गया, अगर आप इस तरह के एयरक्राफ्ट पे बैठते हो तो हम लोग इसमें आवाज को महसूस नहीं कर सकते। क्लियर ना? तो ये हमारा हो गया सुपर सोनिक। अब अगला चीज चलते हैं हम लोग, साउंड बूम। अब ये भी आपका बता देता हूं कि एक्चुअल में ये क्या होता है। सुपर बूम की बात हम लोग कर रहे हैं, सुपर बूम क्या होता है कि ये आपका साउंड से रिलेटेड नहीं है, साउंड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें साउंड जो है वो आपका जरूर मैटर करता है। हम लोग बात किसका कर रहे हैं, दैट इज सुपर बूम की, है ना, हम लोग सुपर बूम की बात कर रहे हैं। तो बच्चे लोग जितना भी एयरक्राफ्ट होता है, जितना भी एयरक्राफ्ट होता है आप देखोगे उसमें बहुत सारा इंजन लगा हुआ होता है ना, बहुत सारा इंजन, किसी में चार, किसी में दो, किसी में एक। और आप खुद सोच लीजिए कि एक मोटरसाइकिल के इंजन से साइलेंसर को निकाल दिया जाए, साइलेंसर आप समझते हो ना जिससे धुआं निकलता है, तो एक मोटरसाइकिल के साइलेंसर से अगर, मोटरसाइकिल के साइलेंसर को अगर निकाल दिया जाए तो उसका शोर इतना होता है कि पूरा मोहल्ला परेशान हो जाता है ना।
अब खुद सोचिए कि अगर मान लीजिए एयरक्राफ्ट का साइलेंसर अगर निकाल दिया जाए, एयरक्राफ्ट का साइलेंसर को अगर निकाल दिया जाए तो इस केस में क्या होगा, आप खुद सोचिए, जिसमें बहुत ही विशाल विशाल बड़ा बड़ा खतरनाक इंजन लगा हुआ है, जिसका स्पीड इतना खतरनाक है, और उस इंजन से साइलेंसर को अगर निकाल दिया जाए तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में मैं आपको बताता हूं, एक्सट्रीम एक्सट्रीम साउंड प्रोड्यूस होगा, है ना। जब हम किसी एयरक्राफ्ट का साइलेंसर को अगर निकाल दें तो उस केस में आपका एक्सट्रीम साउंड प्रोड्यूस होगा, और ये एक्सट्रीम साउंड इतना ज्यादा होता है ना कि किसी शहर में, हाल फिलहाल की बात मैं बता रहा हूं, चंडीगढ़, चंडीगढ़ हमारा एक शहर है, आपको पता होगा, दैट इज इन पंजाब, और ये चंडीगढ़ में हमारा राफेल का साइलेंसर निकाल कर टेस्टिंग किया जा रहा था, और उसके आवाज से, नॉर्मली देखो जो एयरक्राफ्ट होता है बहुत हाइट पर उड़ता है, जो आपको दिखाई नहीं पड़ता है, पर उसकी जो आवाज थी उसकी आवाज से बहुत सारे घर का शीशा चटक गया, जो विंडो होता है ना, विंडो का शीशा चटक गया। इसका मतलब है कि दैट इज वेरी वेरी एक्सट्रीम लाउड साउंड, और इस एक्सट्रीम लाउड साउंड को कहते हैं सुपर बूम। क्लियर हुआ? इस एक्सट्रीम लाउड साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर बूम। एक और छोटा सा चीज बता दूं, आप इससे पहले एम्पलीट्यूड का मतलब लाउडनेस को आप डेसिबल में मेजर किए थे ना, लाउडनेस को किस चीज में मेजर किए थे, डेसिबल में, और नॉर्मली हम लोग जो कंफर्टेबल होते हैं दैट इज 65 डेसिबल, दैट इज 65 डेसिबल, 65 से लेकर 80 तक आप सुन सकते हो, है ना। आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल होगा इसके साथ साथ हैंड्स फ्री भी होगा, आप देखते होगे जैसे ही ईयरफोन लगाकर जब आप कान में आवाज तेज करते हो तो एक वार्निंग आता है, वो वार्निंग क्या कहता है, वो वार्निंग कहता है कि इट मे डैमेज योर ईयर ड्रम, ऐसा आता है ना वार्निंग। हाँ, तो ये वार्निंग क्या बताना चाहता है कि जब आप ईयरफोन को अपने कान में लगाते हो ना तो उसका जो कैपेसिटी होता है वो आपका 80 डेसिबल से ऊपर जाता है, और इससे आपका कान का पर्दा क्या हो जाएगा, कान का पर्दा फट जाएगा। तो सुपर बूम जो होता है, सुपर बूम में आपका जो डेसिबल का रेंज होता है ना वो आपका 160-170 डेसिबल होता है, अगर आप उस आवाज को क्लियरली अगर सुनने लगते हो बिना कान बंद करके तो आपका कान का पर्दा क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया ना। चलिए, गुड इवनिंग दिव्यांशु, गुड इवनिंग। चलिए, अच्छी बात है कि आप लोग को समझ में आ गया, मैं अगला टॉपिक पे अब चल रहा हूं, दैट इज सोनार, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, सोनार जो है एक इंस्ट्रूमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, सोनार क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और उसको बोला जाता है साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, ठीक है ना, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सोनार कहते हैं। तो आप इसको क्लियरली समझिएगा कि सोनार का काम क्या है। तो उस पहली बात, सोनार का काम हम आपको बता देते हैं, तो पहला चीज होता है डिस्टेंस मेजर करना। सोनार का काम क्या है, डिस्टेंस मेजरिंग, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या होता है, डेप्थ मेजरिंग, डेप्थ मेजरिंग भी ये करता है। तीसरा काम क्या करता है, तो ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल को ये क्या करता है, फाइंड करता है। ऑब्स्टेकल का मतलब बता देता हूं कि मान लो कोई जहाज चल रहा है ना, पानी में चल रहा है, और मान लो पनडुब्बी अगर है, तो पनडुब्बी अगर है तो नीचे में पहाड़ भी हो सकता है ना, और पनडुब्बी इधर से जाने के बाद इस पहाड़ से टकरा भी सकता है, और इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से टकराने के कारण वो पनडुब्बी हमारा क्या हो जाएगा, टूट सकता है, एक्सीडेंट कर सकता है। तो आप लोग एक टाइटेनिक मूवी देखे होंगे, है ना, टाइटेनिक मूवी आप देखे होंगे। टाइटेनिक मूवी में क्या होता है कि टाइटेनिक जहाज जो है जाकर एक बर्फ के पहाड़ से जाकर टकरा जाता है, और इस बर्फ के पहाड़ से टकराने से क्या हो गया, तो टाइटेनिक डैमेज होकर डूब जाता है।
तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, सोनार का यूज करते हैं। क्लियर ना, कि इस तरह का एक्सीडेंट नहीं हो, इस चीज से बचने के लिए हम लोग हाँ जी मनोज त्रिपाठी जी, अच्छी बात है। चलिए तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आपका यहां पर साउंड जब प्रोड्यूस होता है, सोनार से एक तरह का सिस्टम होता है, तो यहां से फ्रीक्वेंसी को रिलीज करता है, और फ्रीक्वेंसी को रिलीज करने के बाद ये क्या करता है, इससे टकराता है, और टकराने के बाद ये पता चल जाता है कि सामने में कोई ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट से हम लोग को पता चल जाता है कि आगे का रास्ता क्लियर है या फिर क्लियर नहीं है। आप समझ गया ना सोनार का काम क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे यहां पर देखिए एक इमेज बना हुआ है, आप इसको देखिएगा। तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि नॉर्मली ये आपका शिप है, मर्चेंट शिप कह लीजिए या फिर कोई और शिप कह लीजिए, तो मर्चेंट शिप बहुत बड़ा होता है, या फिर आप विराट, हम लोग का विराट है ना, जो आपका हम लोग का जो शिप है जो पानी में रहता है, जिससे आपका एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड करता है, तो वो बहुत बड़ा होता है, उसका एरिया बहुत लंबा चौड़ा होता है, 2-3 फुटबॉल मैदान के बराबर होता है। तो इनके लिए बहुत ज्यादा डेप्थ भी रहना जरूरी है। अगर मान लो कि ये पानी का जो डेप्थ है, अगर ये कम हो गया ना, तो ये जहाज जाकर वहां पर क्या कर सकता है, एक्सीडेंट कर सकता है। क्लियर ना, तो इस चीज को मेंटेन कैसे किया जाएगा, तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए ही सोनार का यूज किया जाता है। इस चीज को मेंटेन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सोनार का यूज किया जाता है। अब हम बताते हैं कि कैसे किया जाता है, सोनार एक्चुअल में करता क्या है। तो देखो इस शिप की बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक डिवाइस लगा होता है ना, एक डिवाइस लगा होता है, और ये डिवाइस क्या करता है, यहां पर मान लीजिए ये डिवाइस है आपका, बुक में अगर बात करोगे तो यहां पर एक डिवाइस है, और ये डिवाइस क्या करता है ना, कि साउंड के फ्रिक्वेंसी को रिलीज करता है, और ये साउंड का फ्रिक्वेंसी क्या करता है, बॉटम में जाकर टकराता है। तो ये हो गया बॉटम, ये साउंड का फ्रिक्वेंसी जो है कहां जाकर टकराया, बॉटम में। तो आपको ऑलरेडी मैं पहले बता चुका था ना कि जब भी साउंड प्रोड्यूस होता है तो ये जाता है, और जाने के बाद ये टकरा कर वापस लौटता है। इसके बारे में मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं कि ये जब जाता है टकराता है, और टकरा कर लौट कर वापस आता है। सेम कहानी यहां पर भी होता है, ये जो आपका फ्रीक्वेंसी जो रिलीज करता है साउंड का, ये नीचे सरफेस पे जाता है, और सरफेस पे जाने के बाद ये टकरा कर ऊपर की तरफ लौट कर आता है, और जब ऊपर की तरफ लौट कर आता है तो यहां पर देखिए एक डिटेक्टर लगा हुआ है। आपके पास अगर बुक होगा तो ये देखिए यहां पर डिटेक्टर लगा हुआ है। तो पहला चीज, इसमें दो डिवाइस हो गया, कौन कौन सा, तो एक हो गया ट्रांसमीटर, दैट इज ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या होता है, तो जो साउंड प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमीटर। इसका एनर्जी बहुत हाई होता है बच्चे लोग, तभी तो इतना नीचे तक जाता है और टकराकर लौट कर वापस भी आता है। तो एक हुआ ट्रांसमीटर, ये ट्रांसमीटर क्या किया, तो नीचे की तरफ गया, टकराया, और टकराने के बाद जब लौटता है तो एक डिटेक्टर लगा हुआ होता है, और ये डिटेक्टर क्या कर लेता है, साउंड को ट्रैप करता है। अब इसके बाद खेल शुरू होती है। सबसे पहली बात कि ये बीच में क्या होगा, यहां पर बीच में क्या होगा, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये सब तो पानी ही होगा ना, ये पानी ही होगा। तो यहां पर मान लीजिए कि साउंड जाने और आने में 6 सेकंड लगा, सपोज साउंड को जाने और आने में कितना समय लगा, 6 सेकंड लगा। इट मींस कि साउंड को जाने में 3 सेकंड और लौट कर आने में भी 3 सेकंड लगा। अब यहां पर आपको सबसे पहले पता करना है कि इस लिक्विड का डेंसिटी कितना है। आपके 9th क्लास में जो है आपको बता देगा कि इस लिक्विड में साउंड की स्पीड कितनी है, और सपोज मान लीजिए कि साउंड की स्पीड 1500 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर ना, कितना है साउंड की स्पीड, दैट इज थैंक यू मनोज त्रिपाठी जी, बिल्कुल आप करिए।
खुशी की बात है कि आप मेरा स्पीच को सुन रहे हैं। मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ से साउंड जाएगा, तो मान लीजिए कि टोटल जाने और लौट कर आने में टोटल कितना समय लगा, सपोज मान लीजिए 6 सेकेंड लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 सेकेंड जाने में लगा और 3 सेकेंड आने में लगा, यही ना है इसका मतलब। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि लिक्विड में, जो ये पर्टिकुलर लिक्विड है, इसमें साउंड की स्पीड अगर 1500 मीटर पर सेकेंड है। साउंड की स्पीड कितनी है, सपोज मान लीजिए 1500 मीटर पर सेकेंड है, तो आप तो समझ गए होंगे कि 3 सेकेंड क्या हो रहा है, जाने में लग रहा है। इसका मतलब कि 3 सेकेंड तक साउंड क्या किया, नीचे की तरफ गया। इसका मतलब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं, जल्दी से बताइए, डिस्टेंस इक्वल टू दैट इज स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है, दैट इज 1500 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम कितना है, दैट इज 3 सेकेंड। इसका मतलब दैट इज 4500 मीटर। तो आप लोग समझ गए होंगे बच्चे लोग कि ये जो 4500 मीटर आया, इसका मतलब क्या हुआ कि शिप जहां पर भी है वहां से नीचे की जो गहराई है दैट इज 4500 मीटर, 4.5 किलोमीटर है। एक और चीज मान लीजिए, अगर बीच में पहाड़ होता सपोज, तो ये पहाड़ होने के बाद इसको आइडिया मिल जाता कि यहां पर अगर 4.5 किलोमीटर है अगर, और यहां पर अगर 2 किलोमीटर है, इट मींस कि इस पानी के अंदर बीच में कोई 2 किलोमीटर का पहाड़ भी जरूर होगा। तो आप समझ गया ना कि कोई भी शिप जो है किस तरह से पानी के अंदर पानी की गहराई को क्या करता है, मेजर करता है, और इसी तरह से अपने आगे का भी जो भी आपका ऑब्स्टेकल होता है आगे के तरफ भी ये क्या करता है, साउंड को ट्रांसमिट करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो साउंड टकराकर वापस आएगा, और ऑब्जेक्ट अगर नहीं हुआ तो साउंड टकराकर वापस नहीं आएगा। मान लीजिए यहां से ट्रांसमिट किया, तो अगर यहां पर ऑब्जेक्ट है तो यहां से टकराएगा और लौटकर वापस आएगा, यही ना, यहां से साउंड जाएगा ट्रांसमिट होने के बाद लौटकर वापस आएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो इस केस में क्या होगा, ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे कि एक्चुअल में सोनार किस तरह से काम करता है। क्लियर ना, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे चले आते हैं, है ना, उसके बाद हम लोग चमगादड़ पर आएंगे। यहां पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ एग्जांपल, ठीक है ना, इस चीज को आप समझिएगा कि ये क्या कह रहा है। कहता है ये शिप sends out अल्ट्रासाउंड दैट returns फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड। तो देखो यहां पर क्लियर सी बात कर रहा है कि यहां पर क्या है, एक शिप है, यहां पर क्या है, एक शिप है, और शिप क्या करता है कि यहां से ट्रांसमिट करता है साउंड किधर की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ वो साउंड क्या करता है, शिप जो है वो आपका ट्रांसमिट कर रहा है। तो इसका मतलब ये साउंड नीचे गया, नीचे गया, यहां जाने के बाद ये क्या हुआ, टकराया, और टकराकर फिर से ये वापस लौटेगा। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है, कितना टाइम दिया हुआ है, दैट इज 3.42 सेकेंड। इसका मतलब है कि 3.42 सेकेंड में वो जाता भी है और लौटकर आता भी है, दोनों चीज ना, यहां पर दोनों केस होगा ना, 3.42 सेकेंड में वो साउंड जो है नीचे जाएगा भी और लौट कर आएगा भी। अब आगे चलते हैं, कुछ और भी दिया होगा, यहां देखिए, सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितना है, दैट इज 15, तो यहां पर लिख देते हैं स्पीड कितना, तो दैट इज 1531 मीटर पर सेकेंड। आपसे डिस्टेंस पूछा रहा है, यहां देखो कि कितना गहराई है सी बेड, सी बेड किसको कहते हैं बच्चे लोग, सी बेड का मतलब क्या होता है ना कि पानी के अंदर का जो सरफेस होता है ना उसको हम लोग सी बेड कहते हैं, पानी के अंदर का जो सरफेस होता है, जो बॉटम होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सी बेड कहते हैं। तो इस केस में आपका डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो दैट इज 3.42 मल्टीप्लाई 1531
वन, इसके बाद जो भी आपका आएगा, सपोज मान लो 5000 आ रहा है, 5000 meter आ रहा है, सपोज आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर दिया होगा देख लूँ अगर, दैट इज 5236 meter है ना, तो यह आपका कितना आ गया 5236 meter। ये 5236 meter जाने का और लौट कर आने का दोनों के दोनों डिस्टेंस है, तो हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या करेंगे, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड करने के बाद 12618 meter हम लोग का आंसर आ गया। क्लियर ना, 2618 meter हम लोगों का आंसर आ गया। तो आप ये समझ चुके होंगे। गुड इवनिंग प्रथम, बहुत लेट हो गया बाबू। अगला हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का फटाफट आप लोग आंसर भेजिएगा। ए सबमरीन एमिट्स ए सोनार पल्स विच रिटर्न्स फ्रॉम एन अंडर वाटर क्लिप्स इन 1.02 सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉल्ट वाटर इज 1531 meter per second, हाउ फार अवे इज इट क्लिप। 54412। चलो गुड दिव्यांशु, देख लेते हैं कि ये सही है कि गलत है। नहीं दिव्यांशु, ये तो गलत लग रहा है बाबू। ये आंसर जो है, अगर इसका भेजे हो तो इसका आंसर ये गलत हो सकता है। यहां पर सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लिखिए कि टाइम कितना है, तो दैट इज 1.02 सेकेंड। क्लियर ना, उसके बाद आपका दिया हुआ स्पीड, स्पीड कितना है, तो स्पीड आपका दिया हुआ है दैट इज 1531 meter per second। क्लियर ना। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कितना दूर है, यहां पर सबमरीन पूछ रहा है कितना दूर है, तो आप यहां से डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, 1531 मल्टीप्लाई 1.02। ये आप जो निकालोगे, ये जो भी डिस्टेंस आएगा मेरे समझ से करीब 1600 मीटर के लमसम ये डिस्टेंस आपका आएगा। तो 16, अच्छा ऊपर वाले का भी दिव्यांशु, तुम्हारा तो ऊपर वाले का, ऊपर वाले का तो 2618 है ना दिव्यांशु, यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है हम लोग का। गलत है, 3123 भी गलत है, तो यहां पर आप क्या करोगे, तो मल्टीप्लाई अगर हम किए तो 1531 मल्टीप्लाई 1.02, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो करीब करीब 1600 आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस ऑब्जेक्ट से साउंड नीचे की तरफ गया और जाने के बाद लौट कर आया, तो दैट इज अराउंड 1600 meter। इट मीन्स कि सी बेड कितना है, करीब करीब 800 मीटर गहरा है। दिव्यांशु अगर हाफ भी करेंगे तो 2720 के लमसम आएगा, पर आंसर है तुम्हारा 2620, मल्टीप्लाई में गलती किए हो। तो ये हम लोगों का यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बैट की बात कर रहे हैं, चमगादड़ की बात कर रहे हैं। वैसे हिंदू धर्म के अनुसार चमगादड़ को बहुत शुभ माना गया है, बेशक देखने में डरावना होता है, पर उसके बावजूद भी चमगादड़ को लक्ष्मी जी का सवारी कहा गया है। और कहा जाता है कि जब ऐसे उल्लू को सवारी कहा गया है, लेकिन चमगादड़ जिस घर में जाता है कहा जाता है वहां लक्ष्मी हमेशा बनी रहती है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा चमगादड़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक्चुअल में करता क्या है ना, इसको ध्यान से समझना। चमगादड़ क्या करता है कि रात के समय में ये साउंड प्रोड्यूस करता है, रात के समय में क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। वैसे चमगादड़ का जो भोजन होता है ना, वो आपका चूहा होता है और छोटा छोटा कीड़ा होता है। इसका भोजन चूहा और छोटा छोटा कीड़ा होता है। तो रात के समय में ये क्या करता है, एक तरह का आवाज खुद प्रोड्यूस करता है। आवाज ये क्या करता है, ये सुनता तो है ही, पर इसके अलावा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का आवाज, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का आवाज ये खुद अपने मुंह से क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो मान लीजिए कि यहां पर आपका इंसेक्ट है, यही ना इंसेक्ट है,
तो यहां पर इस केस में क्या होता है कि यहां पर लार्ज अमाउंट में साउंड वेव पार करेगा, है ना। एग्जांपल के लिए मैं यहां पे कर देता हूं, ये आपका, अरे तो मेरे को तो बनाना ही नहीं आता, ये फतिंगा है, समझ गया ना, इंसेक्ट, और ये आपका चमगादड़ है। इसको लाइटली लीजिएगा, मैंने इसको बहुत डायग्राम नहीं आता बनाने बाबू, इसलिए इसको लाइटली लेना है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है ना कि ये साउंड प्रोड्यूस किया, तो साउंड प्रोड्यूस करेगा तो साउंड आगे की तरफ जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस केस में ये साउंड क्या हो जाएगा, आगे की तरफ चलता जाएगा। इसको ऐसे समझना है तुमको, रदरफोर्ड जो आपका न्यूक्लियस का खोज किया था ना, सेम चीज आपको समझना है, बस यहां पर निगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो यहां से जब साउंड प्रोड्यूस करेगा, ये जाएगा जाएगा, ये भी पार कर जाएगा, पर बीच में क्या होगा कुछ केसेस में कि ये साउंड यहां से जाएगा, इससे टकराएगा और लौट कर इसके पास वापस आ जाएगा। ये समझ गया ना, साउंड जाएगा वहां टकराएगा और लौट कर उसके पास, यहां से साउंड गया टकराया और ये लौट के किसके पास आ गया, अगेन बैट के पास आ गया। अब यहां देखो, अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा अगर सपोज है तो इतना सारा साउंड जाके टकराएगा और लौट कर वापस आएगा। तो इससे क्या पता चला, इससे इस चमगादड़ को यह पता चल गया कि मेरे सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कितना बड़ा है। पहली बात कि मेरे सामने का जो ऑब्जेक्ट है वो कितना बड़ा है, वो मेरा फूड है कि नहीं है, उसके फूड में आता है कि नहीं आता है, और इसके दिमाग में एक इमेज बना हुआ है कि अगर ऑब्जेक्ट इस शेप का होगा तो ये मेरा फूड होगा, और इस शेप का नहीं होगा तो ये मेरा फूड नहीं होगा। और इसका नतीजा क्या होता है, तो इसका नतीजा ये होता है कि इसको पता चल जाता है कि सामने वाला ऑब्जेक्ट उसका क्या है, खाना है। आप देखते हो कई बार आपके घर में चमगादड़ अगर घुस जाता है तो आप देखते हो बहुत आराम से वो खिड़की से बाहर निकल जाता है, बिल्कुल अंधेरे में भी। क्यों? क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस करता है, और साउंड प्रोड्यूस करने के बाद वो जान जाता है कि किस तरफ ओपनिंग मिलेगा। क्लियर ना? तो ये आपका बैट का हो गया, और बैट जो है ना ये इंफ्रासोनिक साउंड का यूज करता है। किसका करता है? इंफ्रासोनिक साउंड का यूज करता है। क्लियर ना? डाउट होगा तो जरूर बताना, जो डाउट होगा उसको हम क्लियर करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि सर डाउट क्लियर करेंगे नहीं करेंगे, आप डाउट बेशक पूछिए अगर किसी भी तरह का डाउट होता है तो। चलिए अब हम लोग कान की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपसे पूछते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग के कान के बाहर ये निकला हुआ होता है ना, तो इसको हम कान नहीं कह सकते, है ना, ये तो कान का ऊपर का एक लेयर है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है। एक्चुअल में क्या होता है, वैसे इसका नाम बताया गया है पिन्ना, इसको बोला क्या जाता है, पिन्ना, जो बाहर की तरफ निकला हुआ है। असल में इसका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, वो आपका साउंड को ट्रैप करना। आप देखते होगे ना कई बार कि कोई अगर आपके पीछे बोलते हैं, अगर मान लो कोई आपके पीछे बोलते हैं तो आपको साउंड क्लियर नहीं हो पाता है, और जैसे ही आपके सामने बोलता है तो वो साउंड आपका क्लियर होता है। तो इसके पीछे का कारण ये आपका पिन्ना होता है। चलिए तो यहां पर इस केस में क्या हुआ कि यहां पर जैसे ही कोई सामने आपके बोला, तो ये देखो यहां पर अगर इसकी हम लोग बात करें, तो यहां पर अगर बात करोगे तो ये देखो छोटा छोटा ये ट्रैप बना हुआ है ना हम लोग का, ये जो छोटा छोटा जो ट्रैप हुआ, साउंड वेव जब भी आता है एयर के थ्रू तो इसके अंदर ट्रैप हो जाता है, इसके अंदर क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। और ये ट्रैप होने के बाद आप देखोगे यहां से घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए ये एग्जैक्ट जो आपका मेन पैसेज जो होता है उसके अंदर आपका साउंड जो है वो क्या होना शुरू करता है, अंदर पास होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला चीज क्या, दैट इज पिन्ना। ये आपके कान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर किसी के कान को ये वाला पार्ट को आप काट दोगे
तो आप 100% आप कह सकते हो कि उसको उतना सुनाई नहीं पड़ेगा जितना पहले सुनाई पड़ता था। अगर कोई उसके सामने, कान के सामने आकर अगर कोई बोलेगा, थैंक यू नारायण सिंह, अगर कोई उसके सामने आकर बोलेगा तब तो सुन सकता है, पर आगे या पीछे अगर कोई बोलेगा तो उस केस में वो नहीं सुन सकता है, ठीक है ना। अब इसके आगे चलते हम लोग। तो जैसे ही ये साउंड अंदर की तरफ ट्रेवल करता है ना, अंदर की तरफ ये क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो अंदर की तरफ ट्रेवल करने के बाद हम लोग कहते हैं ना कान का पर्दा, है ना, कान का पर्दा। वो कान के पर्दा पर वो क्या करता है, स्ट्राइक करता है, वाइब्रेशन क्रिएट करता है। यहां पर होता है वो कान का पर्दा, है ना, उस पर यह क्या करता है, स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करने के कारण आपके कान के पर्दे में क्या होता है, देयर इज सम वाइब्रेशन। वाइब्रेशन होने के बाद कान के अंदर में आपका ये तीन छोटी छोटी हड्डियां होती है, एनविल, स्टीयरअप, यहां पर आपका तीन। आप एक चीज पढ़े होंगे, हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी या सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए कि आपके कृपया करके ऐसा कोई काम ना करें जिससे पढ़ाई डिस्टर्ब हो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप यहाँ से जा सकते हो, पर दूसरे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आप डिस्टर्ब नहीं कीजिए इस तरह के कमेंट कर करके। चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है, तो ये आपको पता होगा सबसे बड़ी हड्डी जो होती है हमारे बॉडी में वो कहाँ की होती है, तो दैट इज फीमर, जांग के अंदर सबसे बड़ी हड्डी। और अगर आप कहोगे इस पूरे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है, तो सबसे छोटी हड्डी होती है आपका कान के अंदर। ये जो आपका एनविल यहां पे लिखा है ना, यहां पे ये आपका ये तीन जो हड्डी है ना, ये हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है ना। अब इस केस में क्या होता है कि यहां से साउंड जब पास करता है तो कान का जो पर्दा होता है उसमें वाइब्रेशन क्रिएट किया, और इस वाइब्रेशन के कारण ये आपका छोटी हड्डी जो होता है ना उसके अंदर भी आपका क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है, क्लियर ना। और इस वाइब्रेशन के बाद यहां पर देखो आपका एक कॉकलिया है ना, और ये कॉकलिया जो होता है ना आपका नर्व सेल के साथ जुड़ा हुआ होता है। कॉकलिया क्या करता है, नर्व सेल के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और ये नर्व सेल के साथ जब जुड़ा हुआ रहता है तो यहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल फॉर्म करता है। कैसा सिग्नल, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्सेस। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्सेस जो है कॉकलिया होता हुआ, कॉकलिया के अंदर एक्चुअल में लिक्विड भरा हुआ होता है, यहां से आपका क्या करता है, ब्रेन तक ट्रांसमिट कर देता है। इस मैसेज को कहां ट्रांसमिट कर दिया, That is to brain. तो पहला चीज क्या हुआ, तो सबसे पहले पिन्ना जो है साउंड वेव को ट्रैप किया, हाँ यशराज, साउंड इज एनर्जी दैट causes सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर। सही बात बोले हो, साउंड एक एनर्जी है जो आपके अंदर एक सेंसेशन देता है सुनने की, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, एक कॉकलिया जो है, एक कॉकलिया क्या होता है, कॉकलिया के थ्रू ये आपका होता हुआ कहां पहुंच गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्सेस, क्योंकि आप जो सुन रहे हो दैट इज फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन है। उस वाइब्रेशन को पर्टिकुलरली समझना वेरी डिफिकल्ट काम है, उसके बावजूद भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्सेस कहां पहुंचता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्सेस पहुंचता है आपके ब्रेन तक, और ब्रेन में पहुंचने के बाद हम उस इंपल्सेस को क्या करते हैं, उसको फिर आइडेंटिफाई करते हैं, क्लियर ना। तो ये हो गया आपका आई का, ये हो गया आपका ईयर का फंक्शन, जिसके अंदर आपका नर्व फाइबर होता है। आपको अगर बात करें सेंस ऑर्गन का, सेंस ऑर्गन, तो हमारे बॉडी में पांच सेंस ऑर्गन है, वो पांच कोई बात नहीं दिव्यांशु, कोई बात नहीं।
तो यहां पर क्या हो गया, हमारे हमारे पास पांच सेंस ऑर्गन है। वो पांच सेंस ऑर्गन कौन कौन सा होता है बच्चा लोग? तो पहला आपका स्किन, दूसरा आई, तीसरा नोज, चौथा टंग और पांचवा ईयर। ठीक है ना? तो ये जो ईयर है, ये जितना चीज अभी मैं आपको बताया, ये सबके सब में सेंसेशन होता है। ये सबके सब में क्या होता है? सेंसेशन होता है। सबके सब में क्या होता है? सेंसेशन होता है। और ये सेंसेशन को हम तभी एब्जॉर्ब कर सकते हैं जब आपके पास नर्व सेल हो। तो हमारे बॉडी में सबसे लंबा सेल कौन सा होता है या सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? तो आप इसका भी आंसर बताओगे, दैट इज नर्व सेल। करीब करीब 1 मीटर लंबा होता है। ठीक है ना? करीब करीब 1 मीटर लंबा होता है। और ये नर्व सेल आपका यहां पर देखो, इस चीज में ये नर्व सेल यहां पर आपका इससे जुड़ा हुआ होता है। और इससे क्या फर्क पड़ता है? तो आप जो कुछ भी बोलते हो या सुनते हो, ये आपके बॉडी के अंदर, कान के अंदर जाकर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्सेस में बदला जाता है। और तब जाकर उस साउंड को हम लोग क्या करते हैं? जस्टिफाई करते हैं। तो बच्चे लोग, साउंड का चैप्टर हम लोग का खत्म हो चुका है ना? साउंड चैप्टर हम लोग का क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। अब हम लोग का बचा आपका एक्सरसाइजेस। तो देखो, एक्सरसाइजेज भी आपका क्या होता है? एक्सरसाइजेज भी आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर पा सको। देखो, बोर्ड एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम अगर आप दोगे 10th क्लास में, तो एनसीईआरटी का लैंग्वेज मैटर करता है। एनसीईआरटी का लैंग्वेज आपका क्या करता है? मैटर करता है। आप बेशक कुछ चीज अलग लिखो, पर लैंग्वेज मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी, है ना? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सारा एक्सरसाइज करेंगे। कल हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। अभी तक मैं जो कुछ भी पढ़ाया हूँ वो सारा कुछ आप रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज कर लेंगे तो एक्सरसाइज को करने में आपको सहूलियत होगी। अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हो तो कल जो हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें आप बेशक आंसर बता सकते हो। तब तक के लिए गुड नाइट। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। कल हम लोग फिर से मिलेंगे। अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए, गुड नाइट।